कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनकी अध्यक्षता में CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति की दो दिवसीय बैठक आज यानी शनिवार से हैदराबाद में शुरू होने जा रही है। इस मीटिंग से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। पहले तो ये हमारे वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, ये पहली बार है। मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं और कल भी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें तय होगा। पहले तो हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें ज़्यादा बात होगी, उसके बाद जो अलायंस के बारे में बातचीत अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली बार संगठन के लिए हम बैठेंगे और संगठन के बारे में हम बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी उसमें रहेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जी रहेंगे, प्रियंका गांधी जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और सीनियर लीडर्स भी सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। वो सभी ने मिल के क्या राय देते हैं संगठन के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में, जो 5 स्टेट में हमारे चुनाव है वो चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे और एक उसके लिए क्या एक रणनीति बनाना चाहिए वो भी उसमें चर्चा होगी। बाकी जो अलायंस एंड अदर थिंग्स वो नेक्स्ट, इसमें जहां अलायंस पार्टनर के साथ बैठेंगे उस वक्त वो तय हो जाए। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली से कांग्रेस लीडर्स हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता इस बैठक के लिए दिल्ली से रवाना हुए हैं। बता दें कि इस मीटिंग में तेलंगाना समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी रणनीति तय की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।